I get up, time is barely on our side. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। ये है बारादरी भवन, तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये बहुत ही मतलब ऊंचा सा है ये, और सीढ़ी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक गार्ड रहता है, तो आपको यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करने के बाद आप एकदम ऊपर आ जाओगे, और ऊपर आकर आपको ये कुछ ऐसा व्यू मिल जाएगा, ये देखिए। और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहता है, और आने से पहले आपको वहाँ पर एक डायरी है, वहाँ पर आपको एंट्री करना होगा, सिग्नेचर लगता है, फ़ोन नंबर देना होगा, और किस टाइम पर आप एंटर कर रहे हो उसको भी वहाँ पर जो है नोट डाउन करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह इसका व्यू है, देख लो एक बार इसका ओवरऑल व्यू। इस भवन का नाम है बारादरी भवन, और इस भवन को जिन्होंने बनवाया था उसका नाम कंफर्म नहीं है। किसी का कहना है कि फतेह जंग खान एक राजा थे, उन्होंने बनवाया था। कोई कहता है बंगाल के एक नवाब थे, उन्होंने बनवाया था, और ये कंफर्म नहीं है कि किसने बनवाया था। तो खैर जो भी हो, जिसने भी बनवाया था इस भवन को, बाद में इसको तोड़ दिया गया था, पता नहीं कब तोड़ा था, ये मुझे पूरा आइडिया नहीं है। तो अभी कुछ पार्ट्स इसके बचे हुए हैं, तो मैं आप लोग को उसी का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इसका बोर्ड देख लो, बारादरी को नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लेना क्या क्या है। और जैसा मैंने बताया कि इसका निर्माता के नाम पर विवाद है, कोई बोलता है कि फतेह जंग खान को इस भवन का निर्माता मानते हैं, जबकि अन्य इसके निर्माण का श्रेय बंगाल के नवाब मीर कासिम अली खान को देते हैं। किसी का कहना है कि 1592 ईस्वी में बनवाया गया था, किसी का कहना है कि 1763 ईस्वी में बनवाया गया था। तो ये कंफर्म नहीं कि इस भवन को कब बनवाया गया था और क्यों बनवाया गया था, अभी तक ये कंफर्म नहीं है। तो ये है भवन, और इसके जस्ट बगल में नहर है, नहर के ऊपर बनवाया गया था। और बगल में एकदम नानी, कितना देख सकते हैं कितनी गंदगी फैला हुआ है, लोग नहीं समझते कि गंदा होता है ये। तो इस भवन के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बस मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कुछ कि मतलब कि इसका तो जो बनवाए थे उसके बारे में नहीं पता, तो क्यों बनवाया गया था ये फिर किसको पता होगा। तो लेकिन यहाँ पर सब आते हैं घूमने, कपल्स भी आते हैं, सब हर कोई आता है यहाँ पर, और इस प्लेस को घूमते हैं। और यहाँ से जामी मस्जिद एकदम दिखता है, यहाँ से शायद मेरे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो देखिए सामने जो इमारत दिख रही है, शायद अभी अंधेरा आ रहा होगा। तो यहाँ से जामा मस्जिद दिखता है, जामा मस्जिद से ये बारादरी फोर्ट दिखता है, बारादरी भवन दिखता है। शायद पहाड़ में इसको बनवाया गया था, और ये यहाँ पर एकदम छोटे छोटे से कमरे बनवाए गए हैं, देख सकते हैं एकदम छोटे छोटे से कमरे जो है बनवाया गया था, एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा छोटा सा कमरा बनवाया गया है। ये देखो, ये देखिए जो है नीचे नहर है, और ऊपर में है ये भवन। ये देखो पत्थर से जो है कुछ दीवार को पत्थर से खड़ा किया गया था। ये देखिए ये पत्थर 500 साल पुराना है, और ईंटें देख सकते हैं, ये पत्थर। तो ये देखो कुछ इस तरह टूटा हुआ भवन। चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक बड़ा सा गुंबद ऊपर बना हुआ है, और ये एक रूम है, इसको ओवरऑल एकदम टूर करा देता हूँ मैं आप लोग को। और इसमें ये देखिए यहाँ पर राजा बैठते होंगे, या फिर पता नहीं कोई तो बैठता होगा, क्योंकि इसमें जो है चेयर टाइप का बना हुआ है, और सिंहासन टाइप का ये लग रहा है, देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो आप, ये ना सिंहासन टाइप का लग रहा है, यहाँ पर सिंहासन राजा बैठते होंगे। और ये एरिया होगा शायद बाथरूम एरिया, क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वॉशरूम है, और इधर भी है एक, और ये देखो पूरा टूट चुका है, इसके ऊपर छत होता होगा, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी शायद वॉशरूम ही होगा, या फिर
कुछ तो होगा, लेकिन ये हाँ ये देखने के बाद ये पता चलता है कि ये वॉशरूम एरिया है। और बस थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है इस भवन का, बाकी तो तोड़ दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा तोड़ दिया गया है चारों तरफ, और इसमें आपको खाली एरिया मिल जाएगा यहाँ पर। और ये देखो चारों तरफ जो है ये टूटा हुआ भवन है। फोटो में आप लोग देखना, गूगल में भी अगर सर्च करोगे तो इस एरिया को आप लोग इस पार्ट को देख पाओगे, पूरा का पूरा इसको तोड़ दिया गया था। ये कुछ इस तरह से भवन है, बस थोड़ा सा ही पार्ट इसमें बचा हुआ है। और यहाँ पर ये एरिया आप देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और उधर अंदर 1 6, इसमें 6 द्वार इसी में लगे हुए हैं। इसको 12 द्वारी बोला जाता है, इसमें 12 द्वार था शायद। तो ये देखो, और चलते हैं इसके इस रूम के भी अंदर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक पिलर, ये देखो बड़ा सा पिलर है। और ये पत्थर 500 साल पुराना ये पत्थर होगा, और ये भी पत्थर रखा हुआ है, पता नहीं, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से हॉल रहा होगा ये शायद, बहुत ही बड़ा सा है एकदम। ये रूम तो नहीं, ये हॉल होता होगा। और ये एंटर, कितना छोटा सा दरवाज़ा देख सकते हैं, कितना छोटा सा द्वार, एकदम बहुत ही छोटा सा। ये देखिए ऐसे सर को नीचे से रखकर आपको यहीं पर इंटर करना है। तो ये देखो कुछ इस तरह से है। और यहाँ की ईंटें आप लोग देखो कितनी पतली पतली सी ईंटें हैं, ये देखो एकदम पतली पतली सी ईंटें से ईंटों से बनाया गया था इसको, जो कि बहुत ही पुराना लग रहा, पुरानी लग रही है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को इस जगह का पूरा व्यू दिखा दिया, और ये ऐतिहासिक प्लेस है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं घूमने, बहुत ही अच्छी जगह है। आप एक बार आओ इस प्लेस को, इस भवन को एक बार देखो, बहुत ही बहुत साल पुरानी है, लगभग 600 साल पुरानी ये इमारत है, और महाराजा अकबर के ज़माने से ये है, इसको बनवाया गया था, तभी इसको बनवाया गया था। तो ये कन्फर्म नहीं है कि किसने बनवाया था, तो लेकिन हाँ ये बहुत ही ऐतिहासिक है, आप यहाँ पर आ सकते हो। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ। कमेंट्स में बताइए आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे सुंदर सुंदर ब्लॉग्स और ऐतिहासिक ब्लॉग इस चैनल पर मिलता रहे। और मैं शॉर्ट्स ब्लॉग्स मिनी ब्लॉग्स में बनाता हूँ, तो आप शॉर्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, शुक्रिया।